नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके ही चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूं, काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं अपलोड करा है क्योंकि मैं कहीं बाहर गई हुई थी, इस कारण से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। और जैसे ही मैं घर पर आई हूं, सबसे पहला काम मैंने यही किया है कि आपके लिए एक वीडियो शूट करूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जो सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं लेकिन गर्मियों में ढेर सारे फूल देते हैं। पैसे भी देते हैं लेकिन गर्मियों में उनकी फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। और इससे पहले मैंने आपको सीजनल प्लांट बताए थे गर्मियों के, जो कि बीज से ग्रो होते हैं। अभी तक मैंने सीडलिंग करी नहीं है, जैसे ही मैं सीडलिंग करूँगी उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें हम ऐड करके अपने गार्डन को गर्मियों में भी कलरफुल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर रखा है मैंने बोगनविलिया को। बोगनविलिया गर्मियों में बहुत सारे फ्लावर देता है और जितनी तेज धूप होगी उतने ही ज्यादा इसमें फ्लावर आते हैं। बस आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जितना आप कम पानी देंगे उतने ही इसमें ज्यादा फूल आएंगे। अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो इसमें फ्लावर आना बंद हो जाते हैं, तो आप बस पानी का इसमें ध्यान रखिए। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है हिबिस्कस गुड़हल। ये भी गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और देसी गुड़हल तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है गर्मियों के लिए। बस आपको गुड़हल के प्लांट में एक चीज का ध्यान रखना होगा, इसे भी आप अगर ज्यादा पानी देंगे डेली डेली या मिट्टी गीली रहेगी तो प्लांट आपका खराब हो जाएगा। आपको इसमें तभी पानी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। नेक्स्ट है टिबोचाइना बेगम बहार प्लांट, और ये प्लांट मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और इसमें साल भर फ्लावरिंग होती है, केवल दिसंबर और जनवरी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। इसके बाद इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर ये सारा साल हमें फूल देता है। और इसमें जो कलियां आती हैं वो बंचेज में आती हैं, एक फ्लावरिंग ट्री आप कह सकते हैं। जमीन में लगाएं तो इसकी काफ़ी हाइट हो जाती है और बहुत ही बूसी प्लांट है, तो ये प्लांट तो आपको जरूरी ऐड करना चाहिए अपने गार्डन में। नेक्स्ट है अलमंडा, और ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है गर्मियों में, और इसका फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत होता है येलो कलर का, और इसका एक और कलर आता है और फ्लावर का साइज काफ़ी बड़ा होता है। अब इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं और ये देखिए पर्पल और पिंकिश में है इसका सेड ये। नेक्स्ट है चंपा, जिसे प्लूमेरिया कहते हैं, और ये नाग चंपा है, प्लूमेरिया पुडिका शायद इसे कहते हैं। और इसमें देखिए व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, बीच में येलो का शेड इसमें है, और इसके फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जब ये बंच में आते हैं। और जितनी तेज गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। और जो इसकी दूसरी वैरायटी है उसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, पूरे गार्डन को महका देती है। नेक्स्ट है कनेर, और ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है गर्मियों में, और ये तो सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। आपने ये सड़कों के किनारे देखा होगा या घर के बाहर भी लगा रहता है, तो इसकी ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपके गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती को ऐड करता है, तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टिकोमा प्लांट, और इसे येल्लो बेल भी कहते हैं और गोरीचौरी का प्लांट भी कहते हैं, और ये भी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और मेरे यहाँ पर ये प्लांट है लेकिन उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, इस वजह से मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा रही हूँ। इसके अलावा आप अडेनियम को भी ऐड कर सकते हैं, ये भी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसके फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जो कि बंचेज में आते हैं। और इस प्लांट को भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो आप भी इस प्लांट को ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देसी गुलाब को भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मेरे यहाँ चाहे इंग्लिश गुलाब हो या देसी गुलाब हो, सारे सारा साल फ्लावरिंग करते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करिए। और इसके अलावा आप गंधराज गार्डेनिया को भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज का इसका फ्लावर होता है वाइट कलर का। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।